खबर गाडरवारा से। तहसील स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न। नवरात्र 26 सितंबर से शुरू होने 5 अक्टूबर को विजयदशमी, दशहरा, मूर्ति विसर्जन, त्योहार मनाने के संबंध में तहसील स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस SDOP अजीत पटेल, गाडरवारा थाना गाडरवारा प्रभारी राजपाल बघे, नगर पालिका पार्षद कमल खटीक और शहर की समस्त दुर्गा के समिति के अध्यक्ष, अन्य सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया आयोजक की गणेश झांकी प्रतिमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, अश्लील झांकी न बनाई जाए, दुर्गोत्सव में लगाए गए पंडाल वाटरप्रूफ हों, विसर्जन निर्धारित कृत्रिम विसर्जन कुंडों में 5 अक्टूबर व 6 अक्टूबर में किया जाएगा, विसर्जन के समय यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से हो इसके लिए भी अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा, नर्मदा नदी तालाबों के किनारे बनाए गए विसर्जन कुंडों के पास आवश्यक औषधियां, डॉक्टर सहित एम्बुलेंस, पुलिस बल एवं होमगार्ड का बल उपलब्ध रहेगा। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का पालन अवश्य होगा। विद्युत कनेक्शन वाले तार खुले नहीं हो, विद्युत लाइन के नीचे प्रतिमा की स्थापना ना की जाए, नवरात्रि में जल चढ़ाने के लिए जाने वाले मार्ग एवं स्थानों पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी, मार्गों पर समुचित साफ सफाई एवं पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, जिन स्थानों पर रावण दहन किया जाता है उसकी पूर्व सूचना संबंधित थानों व निकाय में दी जाए, सभी को आग्रह किया गया कि सभी त्योहार आपसी भाईचारे एवं सौहार्द पूर्वक मनाए जाएंगे। यह अपील भी शांति समिति के सदस्य करे। साथ सज्जा बच्चों की पहुँच से दूर होना किया जाए, ये भी आपसे चर्चा हुई है। प्रतिमा झांकी स्तर पर विद्युत व्यवस्था की वैकल्पिक व्यवस्था किसने बात की जा रही है, अचानक लाइट को, इसलिए हम वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था रखें और अपने वॉलेंटियर की जो है वहाँ पर एक्टिव रहें, उस समय घटना दुर्घटना होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अच्छा, कोई अश्लील झांकियाँ ना बनाई जाए, क्या होता है कि हम लोग अति उत्साह में जो नया यूथ है वो अति उत्साह में उनको समझ में नहीं आता है इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो इसका भी हम ध्यान रखें कि झांकियाँ माँ प्रतिमा माँ दुर्गा की जो प्रतिमा हम लोग रखी गई बढ़िया उसमें प्रतिमा निकाल खराब नहीं हो रही है, ध्यान में रहेंगे स्पीकर में रहेंगे वो या पैंट में रहेंगे और बड़े बड़े बाल रहते हैं और पूरी मिट्टी इतने ऐसे तरीके से डाली जाती है कि आस पास जितने मान लो को वहाँ से कोई माता और बहनें निकल रही हैं तो मिट्टी उनके तक जाती है, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं हमें बताएं या हमें कुछ सिखाएं उसमें। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।